हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी अरेना। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी सीजीएल सुप्रीम कोर्ट केस की जो हेयरिंग थी वो पहले 13 दिसंबर को शेड्यूल्ड थी, लेकिन उस टाइम जो जज साहब थे वो छुट्टी पे चले गए थे, तो इस वजह से क्या हुआ, वो हेयरिंग वहाँ से पोस्टपोन हो गई। लेकिन उसकी कोई आपको ऑफिशियल नोटिस इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि वहाँ पे साइट के मेंटेनेंस का काम चल रहा था। तो अब ये नोटिस आ गई है नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग की, आपकी 10 जनवरी को लगी हुई है, और इसमें एक नई पार्टी और शामिल हुई है एसएससी सीएचएसएल को लेकर के, क्योंकि वो भी एग्ज़ाम लपेटे में आ गया था। और इसमें एक चेंज और आपको देखने को ये मिला है कि इसमें जस्टिस एन राव सर अब नहीं रहेंगे और इनकी जगह लेंगे जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस बोबदे सर रहेंगे। तो अब इसमें सभी की निगाहें रहेंगी इस हियरिंग में कि क्या होता है। अभी सीबीआई रिपोर्ट चूँकि सबमिट कर चुकी है, लेकिन वो अभी किसी पार्टी में सर्कुलेट नहीं हो पाई है क्योंकि विदाउट जज की परमिशन वो किसी पार्टी को नहीं दी जा सकती। तो सारी चीज़ें अभी बस्ते में ही बंद हैं, वो 10 जनवरी को ही खुलेंगी, तब एक डायरेक्शन मिल पाएगा कि इस केस का फ्यूचर क्या है और एग्ज़ाम का फेट क्या है, कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं होगा, अभी उसमें कितनी हियरिंग होती होनी है। तो वो सारी चीज़ें अब 10 जनवरी को काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी। तो 10 जनवरी तक आप वेट करिए, और बीच में अगर कोई भी अपडेट केस से रिलेटेड मिलेगा तो वो आप तक पहुंचाया जाएगा, तो आप हमारे साथ बने रहें। हाँ, और करेंट की जो सीरीज चल रही है हमारी करेंट अफेयर्स की वीकली, वो आप लोग ज़रूर देखें। ओके, धन्यवाद।